हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, अपनी क्लास में स्टार्ट करें एंड एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर चल रही है। आप लोग हमें सुन तो पा रहे हैं ना? सभी लोग बताएंगे कि क्या क्लास बिल्कुल सही से है, सब लोग हमें सुन पा रहे हैं? आ जाइए जल्दी से क्लास में, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, वेरी गुड, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए टाइम हुआ करे, जैसे ही क्लास का टाइम हुआ करे आप लोग आ जाया करिए, क्योंकि क्लास थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए टाइम शॉर्ट टाइम में आपका पूरा जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं सारे हो जाए, इसलिए टाइम से आ जाया करिए, ठीक है? जैसे वाले हैं, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शहर के अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? बताइए सभी लोग करेंगे, क्या होगा आंसर आपका? सभी लोगों को करना है। निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? फर्स्ट का क्या होगा आंसर? चलिए बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन ए होगा, यह है लंदन, जिसको हम अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जानते हैं, ठीक है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। चित्रकार प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल बताना है, क्या है बताइए? चित्त प्रसाद का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है आपसे। सेकंड का करेंगे, सभी लोग क्या करिए, वेरी गुड, चलिए आ जाइए जल्दी फटाफट से। चलिए हाँ, बिल्कुल सही है, आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1915 से 1978 का टाइम जो है, अच्छा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, चलिए अब दिखाई देंगे, ठीक है? चित्त प्रसाद का टाइम पूछा जा रहा है, तो इनका टाइम है 1915 से लेकर 78 तक का, ठीक है? अब दिखाई देंगे ऑप्शन भी, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका किस नाम से की है? जयमंगला, रतिमंगला, कला रत्न, शिल्प रत्न, बताइए थर्ड का क्या होगा? बताइए, चलिए थर्ड पे आएंगे, वेरी गुड। कामसूत्र की टीका पूछी जा रही है, किस नाम से है, तो याद रखना है ये जयमंगला की है, और किसने किया है? यशोधर पंडित ने, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ भी पूछ ले घुमाकर, याद रखना है। बताइए राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर है? नई दिल्ली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो गलत नहीं होंगे आपके, क्योंकि बार बार पढ़ चुके हैं आप लोग। बताएंगे सभी लोग फोर्थ का क्या होगा? स्लो नहीं होना है ना, बिल्कुल फोर्थ का आंसर। हाँ वसीम सर, मेरा 73 नंबर है यूपी से। सर जो भी हैं आप बार बार एक ही कमेंट को ना पेस्ट करें प्लीज, ठीक है? डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ऑप्शन ए होगा, ये है नई दिल्ली, ठीक है? आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बताइए। जहांगीर आर्ट गैलरी पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा फिफ्थ का? वेरी गुड, है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जहांगीर आर्ट गैलरी जो है ये आपके मुंबई में है, ठीक है? याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्यंग्य चित्रकार मतलब जो कार्टूनिस्ट हैं, स्वर्गीय मारियो दी मिरंडा, इनको 2012 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। अच्छा उनका नाम है इतना बड़ा, भैया शॉर्ट कर ले। हाँ बताइए, व्यंग चित्रकार स्वर्गीय मारिया दी मिरांडा, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं, इनको पद्म विभूषण मिला था, याद रहे कब मिलता है? 2012 में, ठीक है? और ये कौन है? ये व्यंग चित्रकार है, ये भी याद रखना है, ठीक है?
अच्छा बताइए, ललित कला जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना कब होती है? 1854 में, 1954, दोनों में बता दीजिए, 1854 में होती है या फिर 1954 में होती है? बाकी के ऑप्शन कट कर देते हैं। हाँ, 1954 में, वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, वैसे सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी होगा, 1954 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमरनाथ और कश्मीर के चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? एन एस बेंद्रे ने, राम कुमार ने, भावेश चंद्र सान्याल ने, एस एच रजा ने, किसने बनाए हैं बताइए? अमरनाथ और कश्मीर के जो चित्र हैं वो किसने बनाए हैं? शाबाश, आंसर करते रहिए फटाफट से। हाँ चलिए, आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये बनाए हैं एन एस बेंद्रे ने। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एन एस बेंद्रे। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बांसुरी कलाकार है? सितारा, सिंपल क्वेश्चन है, बता दीजिए, बांसुरी, कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए। चलिए नाइन्थ पे आएंगे, शाबाश, बिल्कुल सही है, बांसुरी वादक पूछे हैं। आप लोग कैसे याद करेंगे, आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, चौरसिया बजाए बसुरिया, ठीक है, चौरसिया बजाए बसुरिया, ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बसुरिया बजाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। अच्छा बताइए, सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है, सभी लोग बताएंगे, एंड शिव कुमार का संबंध किससे है बताइए? हाँ, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग पहले, दसवें का, फिर आपको बताना है सितारा देवी और शिव कुमार का संबंध किससे है। हाँ, टेंथ का क्या है? बिल्कुल, आंसर ये सही होगा, भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है ये आपका लखनऊ में है, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? एलिफेंटा की पूछी है, त्रिमूर्ति है, हाथी की मूर्ति है, विष्णु मूर्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं, प्रसिद्ध पूछा जा रहा है। हाँ चलिए, चलो आंसर की बात करते हैं, एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध की बात हो रही है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये त्रिमूर्ति की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, धूली चित्र किसको कहते हैं बताइए? धूली चित्र का मतलब क्या होता है? रंगों के चूड़ से बना चित्र, फूलों के पंखुड़ी से बना चित्र, द्रव्य मिश्रित रंगों से बना चित्र, लकड़ी के बुरादे से बना चित्र, बताइए? धूली चित्र का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश, जो रंग होते हैं उनका जो चूर्ण होता है ना, उससे जो बना चित्र होता है ना, उसको हम धूली चित्र बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताना है सिगरेट में कुल कितनी गुफाएं हैं, बता दीजिए, आप होशियार, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 13। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, यहां पर 6 गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बताइए, खजुराहो में कौन से धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? शैव, वैष्णव, जैन, तीनों, बताइए। वसीम सर प्लीज आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए, बार बार दिमाग वहीं पर चला जाता है। ठीक है, हाँ 14 पे आइए, चलिए हाँ आंसर की तरफ बढ़ेंगे। खजुराहो में पूछी है, खजुराहो और हाँ खजुराहो में पूछी है, तो ये शैव भी होंगे, वैष्णव भी होंगे, जैन भी होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर तीनों धर्म के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विष्णु की मूर्ति में बताइए, विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया जाता है? विष्णु की मूर्ति में गदा, गदा की बात हो रही है बताइए, सहचर होगा, सहचरी होगा, अलौकिकता होगा, या फिर वाहन होगा? ऑप्शन ए और सी में बताइए क्या होगा, सहचरी या फिर सहचर। 15, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही। हाँ देख, कंफ्यूज हुए ना आप लोग, ऑप्शन ए होगा, ये सहचरी। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, पश्चिमी बताइए, पश्चिमी भारतीय
शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी है? गुड्डे गुड्डियों जैसी है। पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में पूछी है मानवाकृति। बताइए, अलंकारिक है, जकड़ी हुई एवं ऐठन युक्त लोक कला जैसी है, प्रतीकात्मक है, कैसी है? 16 पे आएंगे आप लोग, सभी बताएंगे। हाँ हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। 16, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। याद रखना है, जो पश्चिम भारतीय शैली है ना, उसमें मानव आकृतियां बिल्कुल आप लोगों के जैसे हैं, गुड्डे गुड्डियों जैसी, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या है? ताड़पत्र, कपड़ा, क्या होगा? जैन शैली के चित्रों का धरातल पूछा है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, 17 क्या होगा? 17 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश। ऑप्शन डी, ये ताड़पत्र भी है, कपड़ा भी है और ये कागज भी है। ठीक है, इसका खूब पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अच्छा बताइए, त्रिसृष्टि का पुरुष चरित्र, इसके रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर, याद रखना है। क्या होगा इसका आंसर? हेमचंद्राचार्य, राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, बुद्ध घोष, बताइए। 18 पाएंगे, बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश, सच में अच्छा लग रहा है अब, है ना, आराम आराम से चल रहे हैं तो आप लोगों की रिप्लाई भी बढ़िया अच्छे से देखने में आ रही है, समझ में भी आ रहा है ना। चलिए, ऑप्शन ए होगा हेमचंद्राचार्य। बताना है लॉर्ड चंदा के लेखक कौन थे, बताइए, या फिर कह दीजिए चंदायन। हाँ, इसको बताइए, लॉर्ड चंदा के लेखक पूछे जा रहे हैं, या फिर दे दे चंदायन, तो भी याद रखना है, बताइए। ऑप्शन ए होगा, ये है मुल्ला दाऊद। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? लीडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग, लेजिबिलिटी। 20, दो अक्षरों के बीच के स्थान को पूछा जा रहा है, अक्षरों की बात हो रही है इधर पे, बिल्कुल सही है, अक्षरों की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको हम कर्निंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है परखम यक्ष, 2 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है, किस काल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए कौन से काल से संबंधित है? मथुरा संग्रहालय में स्थित परखम यक्ष की 2 मीटर की ऊंची प्रतिमा है, इसका संबंध कहाँ से है? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, आंसर होगा परखम यक्ष की बात हो रही है, बिल्कुल। हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है मौर्य काल से। ठीक है, आगे चलते हैं। बताना है इट्रक्सन कला किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि ये वाली कला किससे संबंधित है, बताइए। यूनान से है, प्राचीन मिस्र से है, प्राचीन रोम से है, प्राचीन चीन से है। 22, सभी लोग बताएंगे 22, शाबाश, बिल्कुल इट्रक्सन की बात हो रही है। ये जितने भी वर्ड है ना, एक एक करके हम पूरा एक मैराथन बना देंगे, जितने भी वर्ड में कंफ्यूजन होती है कि इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते क्या है, जैसे इट्रक्सन हो गया, इसका क्या मतलब होता है, तो ये सब चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक क्लास करवा देंगे मैराथन, उसमें पढ़ा देंगे पूरी शब्दावलियाँ। हाँ, ऑप्शन सी होगा, प्राचीन रोम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपये के नवीनतम निर्मित करने वाला कौन है? डी उदय कुमार है, गौतम साफ है, पंकज कुमार है, डी रजा है। ठीक है, ठीक है मैम, बीच बीच में मोटिवेटेड वीडियो बना दिया करिए, एक नया जो जागृत होता है आपकी वीडियो से, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बता देंगे, ठीक है, एक वीडियो बना देंगे। 23 क्या पूछा जा रहा है? नवीन प्रतीक पूछा है, तो ये हो जाएगा, ये जो रुपए का निशान है ना आपका, ये वाला। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब होती है? 1556 में होती है, 1450 में होती है, 1630 में होती है, 1665 ईस्वी में होती है, कब होती है ये पूछा जा रहा है आपसे, बता दीजिए। बिल्कुल होशियार बच्चे हैं आप लोग, तुरंत बताएंगे। हाँ, 24 बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा, 1556 में, किसकी बात हो रही है? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ कौन सी शैली में होता है? पाल शैली, जैन, पोथी की बात हो रही है, बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल। 25 पे ये पोथी चित्रण,
हाँ कहते हैं ना कि पाल पोथी लेके बैठ गए। हाँ जब भी हम लोग किताब लेके बैठ जाते हैं, कोई काम होता है घर में और बुक्स अगर उठा लो थोड़ी सा, तो बस यही वाला डायलॉग मिलता है सुनने को कि पाल पोथी लेके बैठ गए। वह चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट, बताइए। 26। हाँ क्या होगा? 26। हाँ बिल्कुल सही है, पटुआ की बात हो रही है, तो ये है आपका कालीघाट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सांची और बुद्ध किस काल में बने हैं? गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल। 27 सभी लोग बताएंगे। 27 पूछा जा रहा है, सांची और भगवत। 27, वेरी गुड, शाबाश। हाँ आंसर है आपका शुंग काल। ठीक है, भरहुत और सांची, बताइए। नेक्स्ट है तीजन बाई, ये तो बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तीजन बाई के बारे में पूछा जाता है कि ये जो है ये काहे के लिए फेमस है। बिल्कुल, 28, तीजन बाई की बात होगी तो याद रखना है ये पंडवानी से संबंधित है, और पंडवानी कहाँ का लोक गायक गायन है और नृत्य है, तो याद रखना है ये छत्तीसगढ़ का है पंडवानी। ठीक है, आगे चलते हैं। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है किससे? भारत कला भवन से, भारत भवन से, सांस्कृतिक केंद्र से है, या फिर ललित कला अकादमी से है? गढ़ी की बात हो रही है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा आंसर है आपका, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से इसका संबंध मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विज्ञापन कार्य आउटडोर एडवर्टाइजिंग इसका रूप नहीं है? बिलबोर्ड है, बस सेल्डर है, डैगलर है, कियोस्क है, बताइए। चलिए बताइए 30 का क्या होगा? आज तो मैम के 8,000 हो गए हैं, हाँ 8,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं अपने, और ये सब आप ही लोगों के सहयोग से हो पाया है, एंड ऐसे ही आप लोगों को बस सपोर्ट बनाए रखना है। ठीक है, अगर पसंद आए। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है डेगलर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अभिव्यंजनावाद का संबंध कौन से देश में हुआ है? इटली से, सॉरी जन्म जो है पूछा जा रहा है किस देश में हुआ है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। 31 बताइए। हाँ सभी लोगों को थैंक यू, थैंक यू। चलिए 31 पे आइए, अभी व्यंजनावाद की बात हो रही है, आंसर होगा आपका जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रॉक का प्रथम घरवादी चित्र कौन सा था? निर्वस्त्र आकृति, द स्टाइल, पंखा लिए स्त्री, सूर्य का रथ, बताइए। 32 चलिए आ जाइए जल्दी से, फटाफट से। 32 हाँ ऑप्शन ए होगा, ये है निर्वस्त्र आकृति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? जॉन ग्रीस, या फिर मालेविच था, या फिर वॉन्डर लैक था, या फिर कार्लो पारा था, बताइए क्या होगा? 33 सभी लोग बताएंगे। आंसर की बात करते हैं, सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार पूछा जा रहा है आपसे। हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, काजिमीर मालेविच। ठीक है, नेक्स्ट है पूछा जा रहा है, लीजिए। मानक ब्रॉन्ज में निम्नलिखित की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए? 34 बताइए, 34 का क्या होगा आंसर? चलिए 34 पे आएंगे, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। ये जो मानक ब्रॉन्ज है ना, इसका मात्रक पूछा जाता है, तो आज बफरिंग हो रही है, बताएंगे सभी लोग क्या बफरिंग हो रही है? चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए होगा, 90% तांबा है, 7% टिन है, 3% जस्ता है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ से तो सब कुछ सही है, तो पता नहीं इतने टाइम क्या हो जाता है, डेली डेली का है ये, नेटवर्क की ही दिक्कत आ जाती है। बताइए, चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं अंकित हैं? बताइए क्या होगा आंसर। नेटवर्क को भी नहीं देखा जा रहा है कि हम अच्छे से पढ़ा दें बच्चों को। चलिए, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, तो बस अपनी आर्ट में फिसलते हुए चलते रहना है, ठीक है। 35 पर करेंगे सभी लोग, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 108 मुद्राओं को दिखाया गया है, ठीक है। बताना है किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? रूसो, हीगल, क्रोचे, हर्बर्ट रीड। जय माता की, वॉइस आ रही है। हाँ, यहाँ पर मूर्तियां वगैरह रख रही हैं, इसलिए आ रही है आवाज, हमें भी वहीं जाना है अभी। चलिए, बताना है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये कहने वाले हैं हीगल, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। या फिर कह दीजिए ब्लू राइडर नामक जो संस्था है, इसका संस्थापक कौन था? बताइए, कर्नेंस्की, कुकोश्का, पॉल क्ली, फ्रांस मार्क। 37 पे आएंगे, भगिए नहीं, जाना नहीं है कहीं, फटाफट से आ जाइए, हम कहीं नहीं जाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग पता नहीं क्यों चले जाते हैं। ऑप्शन ए यह है कर्नेंस्की। बताइए 38 क्या होगा। नारी की आशा हत्या नामक शीर्षक से पोस्टर मतलब लिथोग्राफ चित्र जो है 1909 ईस्वी में किसने बनाया था? पूछा जा रहा है, कोकोशका, क्ले, मुंग, इनमें से कोई नहीं। आधे लोग तो बस किसी का मैसेज देख लेते हैं तो बस उसी के पीछे चल देते हैं, क्लास बाद में देख ली जाएगी, है ना, ऐसा ही है ना, सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, बताइए। ऑप्शन ए, हाँ ये है कोकोशका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? कार्डेंस्की, फिर बताना है कृष्णर का है या फिर मुंक का है या फिर पॉल क्ली का है। हाँ हो सकता है, देखा हमें तो पता है, हाँ होशियार टाइप बच्चे हैं सब। हाँ बताइए 39 का क्या होगा। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है पॉल क्ली का है, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ है कहाँ से? भविष्यवाद से, पुनर्जागरण से, घनवाद से, फाववाद से, बताइए। जैसा हमें रिप्लाई चाहिए होता है ना, आप लोग तुरंत आप दे देते हैं रिप्लाई, हमें मालूम होता है कि आप लोग यही बोलने वाले हैं। बताइए 40 का क्या होगा। हाँ चलिए, इटली की आधुनिक कला का जन्म पूछा जा रहा है, ये है आपका भविष्यवाद से, ठीक है। पूछा जा रहा है भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? फिलिप्पो, तोमासो, मारिनेत्ती, दुनशा, बताइए क्या होगा। बाकी के नहीं समझ में आ रहे हैं उनको हटाइए, फर्स्ट और सेकंड में ही आंसर है आपका। भविष्यवाद का प्रणेता पूछा है तो ये है अपने मारिनेत्ती, ठीक है, याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? थोड़ा धुंधला है, हाँ बताइए क्या होगा। हाँ भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? चलिए आंसर की बात करते हैं, ये है सिद्धांत पूछा जा रहा है आपसे, तो याद रखना है भविष्य जैसा नाम है वैसा ही इसका वो है, समयावच्छेद, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? लो बता दो जल्दी से, कौन सी दुल्हन किसके साथ गलत बैठी हुई है, फटाफट से करेंगे आंसर। भविष्यवाद, किरणवाद, सर्वोच्चवाद, घनवाद, सभी को बताना है। 43, वेरी गुड, और आंसर भी बताना है साथ में, गलत है तो क्यों गलत है, क्या होना चाहिए था आंसर। भविष्यवाद की बात होगी तो बिल्कुल सही, अभी ऊपर ही पढ़ चुके हैं मारिनेत्ती। किरणवाद की बात होगी तो मिखाइल लोरियोनोव हो जाएगा। फिर है सर्वोच्चवाद तो मालेविच हो जाएगा। और घनवाद की बात होगी तो कौन है घनवाद, बताओ जल्दी से, फटाफट से सभी लोग बताएंगे घनवाद, क्या होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट है, टेपेस्ट्री क्या है? अलंकृत पर्दे हैं, अलंकरण युक्त ताट है, या फिर रेशमी पट्ट है, या फिर सफेद सीफोन है। हाँ बिल्कुल, पिकासो एंड ब्रॉक होना चाहिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। घनवाद की बात होगी तो पिकासो एंड ब्रॉक, वेरी गुड। 44, टेपेस्ट्री क्या है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा, ये अलंकृत पर्दे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
तंत्र कला के प्रणेता कौन थे? केसीएस पणिक्कर, जीआर संतोष, जे स्वामीनाथन, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए तंत्र कला के प्रणेता पूछे जा रहे हैं 45। तंत्र कला है तो कौन है? जब तंत्र मंत्र बोला जाता है तो हाथ में पानी लेके मारा जाता है ना, ओम भट्ट स्वाहा, वही। ठीक है, याद रखना है। बताना है स्वास्तिक प्रतीक है मंगल कामना का, सौंदर्य का, टोना टोटका का, भूत प्रेत का। स्वास्तिक पूछा है, बता दीजिए। यहाँ से भूत प्रेत वाला आ गया। काहे का है स्वास्तिक? जब आपके घर में शादी ब्याह होते हैं तभी ये सब होता है ना, मंगल कामना के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं, बताइए। लीजिए, सतह उत्कीर्णन करके, सतह पर रेखांकन करके, सतह को लिथोग्राफी से छापा चित्र पूछा है, बताइए। लिथोग्राफी से छापा चित्र कैसे निकाले जाते हैं? हाँ, चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा, सतह पर रेखांकन करके हम लिथोग्राफी से छापा चित्र करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा जा रहा है उत्कीर्णन विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? एचिंग, कास्ट उत्कीर्णन, एक्वाटेंट लिथोग्राफी, बताइए। 48 उत्कीर्णन विधि कौन सी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है लिथोग्राफी। ठीक है, टाइम दे तो रहे हैं, काहे धीमा चल रहा है। चलो, स्टिल लाइफ पेंटिंग जिसको हम स्थिर चित्रण बोलते हैं क्या है बताइए? निर्जीव वस्तुओं का चित्रण है, सजीव वस्तुओं का चित्रण है, कहानी चित्रण है, पुस्तक चित्रण है। मैम 40 का बी होगा, हम 49 पूछ रहे हैं भाई, 49 का बताइए। 49 नंबर पे आइए। चलिए आंसर की बात करेंगे, स्टिल लाइफ पेंटिंग पूछी है तो स्टिल का ही मतलब समझ लीजिए, निर्जीव। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का चित्रण। आगे चलते हैं। अरे भगवान, बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर छिछला है। चलिए हम बता देते हैं, आंसर ही बताते हैं सीधे। छेपांकन पद्धति दी हुई है, इसका आंसर होगा ये एक तरह की छापा कला है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपसे, वर्ष 1925 ईस्वी की फिल्म है प्रेम संन्यास, इसमें राजा शुद्धोधन की जो भूमिका निभाई है ये पूछी जा रही है। देखिए वर्ष 1925 की फिल्म कौन सी है? प्रेम संन्यास है। ठीक है, और इसमें जो राजा शुद्धोधन थे उसकी भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो आंसर याद रखना है ये थे शारदा चरण उकील। ठीक है, हो सकता है काफी बच्चों को ये क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो हम बोल देते हैं। ठीक है, आप लोग सुन लीजिए केवल। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? तो प्रागैतिहासिक का मतलब जब हमने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इतिहास काल से जो पूर्व की कला थी उसको हम प्रागैतिहासिक कला का बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? तो आदिम मानव की बात हो रही है, और आदिम मानव कहाँ पर था? जब हमने ये पहाड़ वाला युग पढ़ा था ना तभी आदिम मानव देखा था, तो पहाड़ वाला मानव कौन सा कहलाता है? ऐतिहासिक युग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? हाथ के छापे पूछे जा रहे हैं, तो जब किसी को मारने की बात होती है तो हाथ कहते नहीं, हाथ सुहरा रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिए। हाथ के जो छापे मिले हैं वो सोहरो घाट से मिले हैं, और कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का संबंध कौन से काल से है? सभ्यता की बात करते हैं तो इसमें एक चीज याद आती है कि सिंधु सभ्यता जब आप मतलब बांटते हैं प्रागैतिहासिक मतलब ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, और मतलब ऐसे बांटते हैं ना, तो आंसर कहाँ जाता है? सिंधु का बात होती है जब, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। घूमती हुई तस्तरियां का सृजन किसने किया है? तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि घूमती तस्तरियों का सृजन ये दुनशा ने किया है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक, हाँ, वेरी गुड, काफी लोग हमारे साथ साथ आंसर कर रहे हैं, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? एक्शन की बात हो रही है, बताइए। जैसा नाम है वैसा ही कलाकार का नाम है, तो याद रखना है एक्शन पेंटिंग तो क्या होगा? जैक्सन पोलाक। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप आर्ट का चित्रकार कौन है?
मैम क्या लिख रहे हैं ये लूखे, जाने क्या बोलते हैं आप लोग, चलिए जाने कहा कि फारसी भाषा बोलते हैं आप लोग, समझ में भी नहीं आती कि क्या लिखते हैं। चलिए 58 की बात हो रही है, पॉप आर्ट का चित्रकार कौन था, तो याद रखना है पॉप आर्ट की बात हो रही है तो आंसर होगा आपका एंडी वारहोल, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, आगे है ऑफ आर्ट का प्रारंभ किसने किया है, दोनों को याद रखना है, बताना है क्या होगा 59 की बात होगी तो, बिल्कुल ऑफ आर्ट की बात हो रही है, बिल्कुल सही है विक्टर वास्रेली, ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ से क्लियर है, चलो अब यहाँ से बताना शुरू करो, वो वाला पेज थोड़ा सा धुंधला था इसलिए हमने थोड़ा स्पीड में करवा दिया। ज्यामिति कला का प्रणेता पूछा जा रहा है आपसे, कौन है ज्यामिति कला पूछी है, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा मोंड्रियान, ठीक है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं पिक्टोग्राफी क्या होता है, बताइए पिक्टोग्राफी व्हाट इज चिड़िया, पिक्टोग्राफी नाम की व्हाट इज चिड़िया 61 पिक्टोग्राफी, हाँ बिल्कुल सही है, ये एक तरह की चित्र लिपि होती है, ठीक है। आगे एकेडमिक कला का मतलब क्या होता है ये पूछा जा रहा है, मतलब ये एकेडमिक कला जो है ये क्या है बताइए, जिसमें नवीनता और प्रयोगशीलता का स्थान नहीं होता है, बता दीजिए आंसर मिल जाएगा आपको तुरंत, एकेडमिक कला क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं होता है उसे हम एकेडमिक कला, ठीक है। चलिए आगे पूछा जा रहा है अग्रगामी रंग क्या है, अग्रगामी लाल पीला नारंगी इनमें से सभी, अग्रगामी की बात हो रही है, हाँ वेरी गुड बिल्कुल सही है आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है समीपस्थ रंग कौन सा नहीं है, पीला हरा पीला नारंगी लाल नारंगी काला सफेद 64 बताओ जल्दी से बुढ़े बच्चों, बताओ जल्दी से पटापट से, हॉट कलर को अग्रगामी कहते हैं, हाँ शाबाश वेरी गुड, इसको आइए 64 पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, हाँ बिल्कुल सही दिए हैं काला और सफेद, ठीक है आगे चलते हैं बाकी हैं। पूछा जा रहा है यूरोपीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है किसको, 65 चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाँ यस मैम चला नहीं जाता, बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ गया है, गर्दन खोपड़ी हिलने लगी है ना, हाँ ऑप्शन ए बरोक, चलो हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपके 65 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है कल से हम वही 66 से धीमे धीमे मटक मटक के आराम आराम से चलेंगे, ठीक है 66वां क्वेश्चन कल का आंसर आप लोग नीचे दीजिएगा कमेंट पर। हाँ चलिए 66 की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मार्शल दुनशा हो जाएगा, ठीक है ये गलत लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पूछा जा रहा है होकुशाई किस देश के प्रसिद्ध कलाकार, भारत चीन जापान अमेरिका, बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर सेकंड का, होकुशाई पूछा जा रहा है उनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है होकु मतलब, बताइए सभी लोग, हाँ सभी लोग करेंगे होकुशाई किस देश के प्रसिद्ध कलाकार हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जापान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दृष्टि भ्रम पर आधारित कला है, बताइए पॉप कला ऑप कला एक्शन कला या फिर सर्वोच्च कला, 68 सभी लोग करेंगे एकदम स्पीड में कि आंसर क्या हो सकता है इनका, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, दृष्टि भ्रम पूछा है तो इसमें होता है आंसर आपका ऑप्शन बी, ये है ऑप कला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बताइए किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया था, बताइए क्या होगा आंसर 69 का, एंड क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में, आज हमने ग्रुप में शेयर नहीं किया है आप लोग कर दीजिए थोड़ा, ठीक है हाँ टेलीग्राम पे। चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है क्लियर हुआ।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे है निग्रो कला का प्रभाव पूछा जा रहा है। निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा? घनवाद पर, प्रभाववाद पर, उत्तर प्रभाववाद पर, यथार्थवाद पर। हमें पता होता है कि जब भी हमारी क्लास चलने वाली होती है ना, तो पता नहीं क्या हो जाता है, नेटवर्क को बिल्कुल भूत चढ़ जाते हैं। हाँ, निग्रो कला पूछी गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है घनवाद पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए निम्नलिखित में से कौन नाभि कलाकार हैं? बताइए, वी आर, वोनार, मैरिस्टेनी, तीनों। 71 को बताएंगे, नाभि कलाकार पूछे गए हैं। वेरी गुड, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हैं तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? सांची, भरहुत, अमरावती, उदयगिरी। बताएंगे सभी लोग, यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? चलिए, यक्षी चंद्रा की बात हो रही है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है भरहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपनी क्लास सुपर से ऊपर होती है ना मैम, इसलिए दिक्कत आने लगती है। चलिए ठीक है, पूछा जा रहा है बाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई है। बताइए कौन से काल में हुई है? बाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई है। 73 पे आएंगे सभी लोग। आंसर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जस्टिनियन के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है पच्चीकारी में जो चित्र बनाया जाता है वो किससे बनता है? रंगीन पत्थर से, कांच के टुकड़े से, ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। ठीक है, और हमने कल आपको एक, कल या फिर आज ही शायद, हमने एक PDF डाली हुई थी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें हमने वन वर्ड वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। मतलब वन वर्ड वाले, कि जैसे कोई अगर एक शब्द है उसका अर्थ पूछ लिया जाता है आपसे आर्ट की ही लैंग्वेज में, तो उसका क्या अर्थ होता है, वो हमने आपको टेलीग्राम पे डाल दी गई है PDF, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहाँ से 100% आने हैं। ठीक है, इसलिए हमने इकट्ठा डाल दिए थे। चलिए 74 का करेंगे। हाँ, पच्चीकारी की बात हो रही है, तो इनमें सभी हो जाएगा, कांच से भी, रंगीन पत्थर से भी, और मार्बल के टुकड़े से भी। ठीक है, नेक्स्ट है एकाश्म का मतलब। अच्छा, निम्नलिखित में से एकाश्म पूछा जा रहा है। हाँ, ये बताना है एकाश्म जो है, हाँ ऑनलाइन है बेटा, ऑनलाइन है गायत्री जी, ऑनलाइन है। चलिए आंसर करिए 75। निम्नलिखित में से एकाश्मक कौन है? देवगढ़ का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का ईंट मंदिर। 7 बजे जो क्लास होती है ना, वो हम लाइव ही लेते हैं, जब कभी प्रॉब्लम आती है तो हम लाइव नहीं होते हैं, लेकिन 7 बजे अपनी कंटिन्यू होती है। चलिए एकाश्मक की बात हो रही है, तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो एक ही से काट के बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति। ये तो आपने खूब पढ़ी होगी, जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन खूब भर भर के मिलता है, तो ये क्वेश्चन रट लेना है आपको। 76 पे आइए, स्पीड बढ़ाओ भाई, ऐसे धीमे धीमे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। वेरी गुड, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी, ऑप्शन सी, ये है दुनशा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मुमताज जो पद्धति है इसका आविष्कारक कौन है? बताइए, बताइए 77 का क्या होगा? जो मुमताज पद्धति है इसके आविष्कारक पूछे जा रहे हैं आपसे, कौन होंगे? हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम से आए करें आप लोग। हाँ, मटक मटक के नहीं आना है, बढ़िया अच्छे से रिप्लाई देना है। वेरी गुड, ऑप्शन ए, ये है मार्क्स अर्नेस्ट। ठीक है, चॉकलेटी टाइप के आप लोग बच्चे हैं, फिर भी आप लोग बिल्कुल से मिर्ची वाला काम करते हैं। चलिए बताना है शिल्प के लिए प्रसिद्ध है कौन? कार्डेर, दुनशा, मोने या फिर पिसारो। बताइए क्या होगा आंसर। बहुत धीमा चलते हैं आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, काहे को।
चलिए शाबाश। हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा धीमे नहीं चलना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है मिनिएचर पेंटिंग है, बताइए लघु चित्र है, कैनवास चित्र, व्यक्ति चित्र, आखेट चित्र, बताइए मिनिएचर पेंटिंग कैसी है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए ये लघु चित्र है, ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन था, कैराबेचियो, लियोनार्डो विंची, रूबेंस, टर्नर, बताइए दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला पहला कलाकार। हाँ चलिए 80 पे आते हैं एंड आंसर होगा आपका बिल्कुल, स्पीड बढ़ा लो थोड़ा सा। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है कैराबेचियो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर जा रहा है मूर्तिकार राम छाटपार किसके लिए फेमस है, कास्ट मूर्ति कला, धातु ढलाई या फिर मेटल कास्टिंग बोल दीजिए, प्रस्तर उत्कीर्णन या फिर नव मीडिया, बताइए 81 का क्या होगा। मूर्तिकार राम छाटपार काहे के लिए फेमस है, आंसर होगा आपका ये प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं क्लास की नहीं देख रहे हैं, हमें तो डाउट हो रहा है कि आप लोग क्लास में उपस्थित हैं भी कि नहीं। कैसी रिप्लाई आ रही है, बिल्कुल मरी मरी सी। खाना पीना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, कि व्रत है पूरे 9 दिन से। चलिए आंसर की बात करते हैं। अच्छा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहोस जो कला संस्था है इस ये कब और कहाँ स्थापित हुई थी, बताइए 1919, 1950, 1940, 1921। आज हमने ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो आज सब के सब गायब हैं और फिर बाद में बोलेंगे मैम आज तो क्लास हुई ही नहीं है। खोल के नहीं देखना है, बस इनको लिंक चाहिए, जब लिंक देंगे तभी पढ़ेंगे, खुद से नहीं खोल सकते। 1919 ठीक है। अच्छा व्रत है 9 दिन के, तभी लग रहा है बिल्कुल से चाल आपकी मटक मटक वाली हो रही है। चलिए क्वेश्चन है ब्लू राइडर क्या है, म्यूनिक में कंडेंस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल है, या फिर नीले रंग के पोशाक में घुड़सवार है, या फिर घुड़दौड़ का मैदान है, या फिर नव विचारों के प्रसार हेतु वार्षिक पत्रिका है। 83 हाँ 83 पे आइए, ब्लू राइडर बोला है, आंसर होगा ये है म्यूनिक में कंडेंस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल, ठीक है याद रखना है। अरे यार नेटवर्क की पता नहीं क्या हो जाता है इतने टाइम, क्या बताया जाए। बताइए बॉडी कलर होता है कैसा, सफेद रंग मिला गाढ़ा रंग होता है, काला रंग मिला गाढ़ा रंग, या फिर नीला व काला रंग मिला, या फिर भूरा रंग, बताइए। एक सेकेंड हम देखते हैं कि नेटवर्क में क्या दिक्कत है, थोड़ा समझ में आए हमको भी। चलिए एकास्मक की बात हो रही है, ऐसे धीमे धीमे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा, या फिर घुड़दौड़ का मैदान है, या फिर नव विचारों के प्रसार हेतु वार्षिक पत्रिका है। 83 हमारे में बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। आप लोगों के में ही कहीं प्रॉब्लम है, आप लोग अपना सही करिए, यहाँ से बिल्कुल क्लियर चल रही है। हाँ ऑप्शन ए होगा, ये है सफेद रंग मिला गाढ़ा रंग। आगे चलते हैं कॉफी की चक्की पूछा जा रहा है, शीर्षक से चित्र किसने बनाया है, ब्रॉक, दुनशा, बोटिचेली, रेम्ब्रा, बताइए सभी लोग। 85 सभी लोग बताएंगे एंड अपना जो नेट है उसको बूस्ट करिए। ऑप्शन बी दुनशा, स्पीड बढ़ाइए, बहुत धीमा चल लिया, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। पूछा जा रहा है फ्रेस्को ब्यूनो क्या है, नीले पलस्तर में किया गया भित्ति चित्रण है, ऐसे ही पूछा जाता है जो हमने कल पीडीएफ आपको दी है ना वन वर्ड वाली, ऐसे ही पूछ लेगा फ्रेस्को ब्यूनो है, बताइए अब क्या है इसका मतलब क्या होता है, बताइए। 86 स्पीड बढ़ाओ, ऑप्शन ए ये है गीले पलस्तर में किया गया भित्ति चित्रण, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो खाना पीना बना रहे हैं वो आराम से बनाए। मैम बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रही है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है,
पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं, बताइए 87। क्या सभी के में नेटवर्क की प्रॉब्लम है? अरे यार इसको भी अभी आना था। एक सेकेंड रुकिए। चलिए, सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं कहाँ पर? तो याद रखना है ऑप्शन ए, इटली के अंतर्भौम समाधि स्थानों की दीवारों पर। ठीक है, हाँ चलिए। पूछा जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय कौन सा था? नारी, घोड़े, पक्षी, जनजाति। हम आपके कमेंट ही नहीं देखेंगे, कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है, हमने खुद देखा है बिल्कुल सही चल रहा है, आपके में ही प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए नारी। आगे बढ़ो, अब हम देखेंगे ही नहीं आपके कमेंट। चलिए, पूछा जा रहा है कोलाज क्या है? कागज आदि को चित्रभूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति है, या फिर खाने के पैकेट व शीशियों से बनाई गई कलाकृति है, या फिर चमड़े के टुकड़े से बनाई गई कलाकृति है, या फिर कोयला व लाज बड्डी से बनाई गई कलाकृति है, बताइए। 89। आंसर याद रखना है, कोलाज का मतलब है कागज, का से कोलाज, का से कागज, याद रखना है। ठीक है, चिपकाकर बनाई गई जो कलाकृति है वो आपकी कोलाज होती है। नेक्स्ट एनकास्टिंग है, ये बिल्कुल से रट लीजिए, ये वन वर्ड के जो है ना, ये एनकास्टिंग क्या है, कोलाज क्या है, मोन्टाज क्या है, ये सब पूछा जाता है, बताइए एनकास्टिंग का मतलब क्या होता है? याद रखना है एनकास्टिंग का मतलब है मोम में रंग मिलाकर जो रंगांकन पद्धति होती है इसको हम एनकास्टिंग बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जा रहा है वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है, बताइए, तेल रंगों से, जल रंगों से, एक्रेलिक रंगों से, या फिर टेम्परा रंगों से। हम आपके कमेंट ही नहीं देखेंगे, आप लोग कितना ही कर लीजिए, बताइए 91 का क्या होगा? वस्त्र चित्रण किन रंगों में किया जाता है? याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक्रेलिक रंगों से किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ब्रह्मचारियों द्वारा वधू का निर्वस्त्र करना नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? दुनशा, सेजा, सोरा, पिकासो, बताइए 92। स्पीड बढ़ाओ, 5 मिनट में हम करवा देंगे फटाफट से, आप लोग ऐसे धीमे धीमे चलते रहो। ऑप्शन ए दुनशा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है इंटेको क्या है, बताइए, दीवार पर चढ़ाई पलस्तर की अंतिम परत है, या फिर बताएंगे क्या होगा? 93, फटाफट से, ये वन वर्ड वाले बहुत पूछे जाते हैं। आप लोगों की उपस्थिति देख के तो लग रहा है कि सच में बिल्कुल से पॉपुलेशन कम हो गई है अपने इंडिया में। हाँ बताइए 93। ऑप्शन ए दीवार पर चढ़ाई पलस्तर की जो अंतिम परत होती है इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है वुडकट टेक्निक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? चित्रकला, छापा, पुष्प संयोजन, पॉटरी, क्या होगा? 94। हाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, ये वुडकट टेक्निक जो है ये आपकी छापा कला के अंतर्गत आती है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उष्ण वर्ण कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है, लाल, पीला, नारंगी, हरा, कौन सा उष्ण वर्ण नहीं है? एंड देखने में ही आपको समझ में आ रहा है, 95। सभी लोग करेंगे स्पीड, हाँ अब देखो चलने लगे सभी के में, आंसर करने लगे सब, अभी तक नेट नहीं चल रहा था किसी के में, परेशान करने को कह दो तो बस मैम को छका लेंगे कि परेशान होती रहें, हम कहते रहें कि मैम नेट नहीं चल रहा, बताइए 96। टोपोग्राफी क्या है, स्थलाकृति है, छटा है, अनुचित्रक है, रूपांतरण है, बताइए क्या होगा टोपोग्राफी? 96। चलो आंसर की बात करते हैं, टोपोग्राफी आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये स्थलाकृति है। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रेसिंग पेपर पूछा जा रहा है क्या होता है? चित्र की अनुकृति उतारने का कागज है, परंपरागत कला में प्रयोग करने वाला कागज है, या फिर पारभासी चित्रण है, या फिर तह किए गए कई कागजों का आधार है। स्पीड बढ़ाओ,
अब कल से ना छड़ी लेके बैठना है हमें आप लोगों के लिए, बहुत लापरवाही करने लगे हैं। हाँ, मार नहीं पड़ रही ना, इसलिए सब के सब लापरवाह होते हैं। ऑप्शन ए, चित्र की अनुकृति उतारने का कागज क्या होता है? ट्रेसिंग पेपर होता है। आप लोगों ने खूब किया होगा जब नाइन्थ टेंथ में रहे होंगे। चलिए, तान का मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पर, तान का मतलब क्या होता है? चलिए बता देते हैं, आंसर ऑप्शन ए होगा। ये जो रंग का हल्का या फिर गहरापन होता है, इसी को हम तान बोलते हैं। ठीक है, शाबाश। हाँ, अब देखो सब आ गए लाइन में। चलो नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है, सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ पर अंकित है? सबसे प्राचीन की बात हो रही है, बताइए जल्दी से, फटाफट से 99। हाँ शाबाश, हाँ लाइव है, लाइव है। सब यही संदेह कर रहे हैं कि मैम लाइव है कि नहीं है, लाइव है। 99 पे आओ जल्दी से, फटाफट से, शाबाश। आंसर होगा ये जो मिस्र है, इसके हेराकोपोलिस जो मकबरे हैं, इसमें सबसे प्राचीन मकबरा है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, टेराकोटा का मतलब पूछा जा रहा है, बताइए पकी मिट्टी है, चीनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, या फिर सभी है? लगाओ जल्दी से सरकारी ऑप्शन कौन लगाएगा, ऑप्शन डी। लगाओ जल्दी से ऑप्शन डी कौन लगाता है, फटाफट से 100। टेराकोटा का मतलब, वेरी गुड आरती यादव, शाबाश। ऑप्शन ए, मृणमूर्ति मतलब पकी हुई मिट्टी। टाइम से आया करिए प्रेमलता जी, ठीक है। हाँ, डेली वाले स्टूडेंट टाइम से आया करें। नेक्स्ट है, ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की है? बताइए किचनर ने की है, या फिर गगनेंद्रनाथ, ओसी गांगुली, या फिर जेपी मूलर? बताइए 101। ऐसे ही चलना है, बिल्कुल लंगड़े पैर, स्पीड तो बढ़ ही नहीं सकती है। हाँ, कल हम लाइव नहीं थे, बताइए क्या होगा 101। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की है? वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा, गगनेंद्रनाथ टैगोर, याद रखना। बताना है 1890 की स्थापना कब होती है, बताइए ग्रुप 1890 की स्थापना कब होती है? 1961 में, 67 में, 63 में, 62 में, कब होती है? चलिए ठीक है, आज जल्दी से, 1890 की बात हो रही है ना। कितने हौले हौले चलते हैं भैया, बिल्कुल से फूल नहीं हिल, यहाँ का वहां नहीं होना चाहिए, ऐसे कमेंट करते हैं। स्पीड बढ़ा लो थोड़ा सा, थोड़ी सा। हाँ चलो, 1890 की बात हो रही है, आंसर बी हो जाएगा, 1967 में। ठीक है, आगे सॉरी 67 नहीं, 63 में, ऑप्शन सी होगा, 1963 में। ठीक है, आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, MF हुसैन के चित्रों की विदेश में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? ज्यूरिक में, पेरिस में, नई दिल्ली में, लंदन में? बताइए थर्ड का क्या होगा। MF हुसैन के चित्रों की विदेश में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये ज्यूरिक में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा है? बताइए 16वीं गुफा में, बताइए। ऑप्शन डी होगा, ये है बुद्ध उपदेश। ठीक, आगे, लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब होती है? 40, 50, 78, 79, बताइए। गायत्री जी नेट अपना ऑफ करिए फिर ऑन करिए, आपके में प्रॉब्लम है, बाकी सभी की अच्छे से चल रही है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लास्को की पूछी है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है 1940। नेक्स्ट, प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय टेक्निक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया है? पौराणिक शब्द आ गया, अब यहां से अंदाजा लग गया होगा कि पौराणिक विषय बोल दिए हैं, तो आंसर आपका अपने प्यारे से राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब होती है? छापो जल्दी से, फटाफट से स्पीड बढ़ाओ, 1905, 8, 7, 9, 107। हाँ, 1907 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर,
बताइए स्पीकिंग ट्री किसकी रचना है, पूछा जा रहा है आपसे स्पीकिंग ट्री के बारे में 108। चलिए स्पीकिंग ट्री ऑप्शन सी ये है गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है फ्रेंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है, धार्मिक कर्मकांड, प्रागैतिहासिक कला, आदिम गीत, मध्यकालीन कला। 109 बताइए सभी लोग क्या होगा आंसर। चलिए फ्रेंको कैंटेब्रियन ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, बताना है हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में मिली है, बताओ। 110 ऑप्शन बी गरगास। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्ण विद डांसिंग काउस ये किसकी कृति है, बताइए। 111 हाँ, आंसर की बात होगी ऑप्शन डी ये है मंजीत वावा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार बनाए गए हैं, रंगों को सपाट भरकर, गीली सतहों पर, अंगुलियों से, चौक से रेखांकन, या फिर गेरू को चर्बी में मिलाकर। 112 बताएंगे सभी, आंसर कर लो अब चुपचाप, बहुत देर से हो गया। ऑप्शन बी ये है गीली दीवारों पर अंगुलियों से। ठीक है, याद रखना है प्रागैतिहासिक की बात हो रही है। आगे चलते हैं, मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या है, बताइए। हाँ, मिस्र की कला, चलिए बताइए क्या होगा। एक सौ तेरह पे आएंगे। चलिए आंसर की बात, मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु ये भूत प्रेत मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, मरणोपरांत जीवन है इधर का। बताना है स्फिंक्स क्या है, वास्तु है, मूर्ति है, वास्तु मूर्ति है, या फिर स्मारक है। 114 स्फिंक्स ऑप्शन सी होगा ये है वास्तु मूर्ति। 112 में प्रागैतिहासिक, हाँ प्रागैतिहासिक चित्र है तो प्रागैतिहासिक में क्या मिलेगा, रंगों को सपाट वहां थे ही नहीं, गीली दीवार वहां थी ही नहीं, चौक थी ही नहीं, गेरू वहां पर मतलब कि केवल यही सब था, गेरू थी, चर्बी, इन्हीं को मिला के करते थे, और पुट्ठे वगैरह ये सब चीजें यहीं पर थी। ठीक है, आगे चलते हैं, स्फिंक्स हो गया, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के विशेष प्रसिद्ध हुआ है, कौन हुआ है, बेबीलोन, उर, लगाश, सूसा। 115 ऑप्शन बी ये है उर। ठीक है, आगे मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाघ कहाँ पर बने हैं, लगाश में, एरिदू में, कैल्डिया में, बेबीलोन। झूलता हुआ बाघ बहुत पढ़ा होगा आपने, बेबीलोनिया का झूलता हुआ बाघ। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताना है, चलिए बताइए कर्बला सिविलाइजेशन सीरीज ये जो है किसने बनाया है, MF सेन ने, ए रामचंद्रन ने, राघव कनेरिया ने, रवि वर्मा ने। 117 हाँ, ऑप्शन ए ये है MF हुसैन ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आ गया है क्वेश्चन, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है, टीपी राय चौधरी, राम किंकर बैच, मृणालिनी मुखर्जी, बीसी सान्याल, बताइए। 118 हाँ, ऑप्शन मूर्तिकार नहीं है पूछा है, बीसी सान्याल। ठीक है, बाकी तीनों को याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पीआर दरोज का माध्यम पूछा जा रहा है आपसे। 119 देखिए आप लोगों को बता दें, दोपहर में 2 बजे एंड शाम को 7 बजे एंड रात को 9 बजे क्लासे 3 टाइम आपकी हो रही है अब। ठीक है, दोपहर में जो 2 बजे होती है उसमें आपका राकेश गोस्वामी की बुक चल रही है, किसकी, राकेश गोस्वामी की बुक चल रही है, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन हो रहे हैं। एंड 7 बजे आप लोग देख रहे हैं राकेश गोस्वामी की दूसरी बुक चल रही है, एंड रात में 9 बजे आपकी पूरी तीसरे टाइम पर जो रात को 9 बजे है इसमें भी आपकी कोई ना कोई बुक चल रही है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। मतलब कहा जाए 2 बजे, 7 बजे, रात को 9 बजे, इन तीनों टाइम आपका पूरा
प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो तीनों क्लासों को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, सभी को ज्वाइन करना है। तो 2 बजे राकेश गोस्वामी की पहली बुक, दूसरी बुक चल रही है शाम को 7 बजे एंड तीसरी बुक चल रही है रात को 9 बजे, तो सभी को जुड़ना है, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं, पीआर दरोज की बात हो रही है इधर पे, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है मृतिका मतलब सिरेमिक। नेक्स्ट, अवनीन नाथ के किस कलाकृति को मास्टरपीस का दर्जा मिला है, बताइए 120 मास्टरपीस का दर्जा। मैम टीजीटी की चल रही है क्या? हाँ, सारी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जिसका भी आर्ट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है, नेट मतलब हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, आंसर की बात होगी ऑप्शन ए, शाहजहां इन हिज डेथ बेड, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मिस्री, इनमें से कोई नहीं, बताइए। टीजीटी पीजीटी के लिए तो बिल्कुल रामबाण है हमारी क्लासें, ठीक है। चलिए 121, भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता पूछी है, बता दो जल्दी से। हाँ, ऑप्शन ए ये है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। छापाकार पूछा जा रहा है आपसे, बताइए छापाकार कौन है, रिनी धुमाल, विलास सिंधे, तपन घोष, उपरोक्त सभी, 122। छापाकार पूछे हैं, ऑप्शन डी होगा, ये सभी हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सर्व प्राचीन वेद कौन सा है, सिंपल से है, गलत नहीं करेगा कोई, 123 पे आइए जल्दी से। एंड क्लास पसंद आ रही है तो लाइक मैक कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए ऋग्वेद। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, अष्टाध्यायी, बिल्कुल ऑप्शन सी पाणिनि है, ठीक है। रामायण में सीता की जो स्वर्ण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बता दीजिए किसने बनाई थी, पूछा जाता है, जो सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा है उसको बनाया किसने था, शाबाश, वेरी गुड, राजा उसने मैंने बनाया था, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा जा रहा है आपसे, 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग है दमयंती, बताना है कि सुदबी के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिकी थी, थोड़ा सा धुंधला है, लीजिए बताना है आपको। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये ऑप्शन डी होगा, ये है 11.09 करोड़ रुपए में, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है वो किस काल में होता है, पुरापाषाण, नव या फिर शैंधव या मध्य, क्या होगा आंसर सेकंड का। और हाँ, एक चीज और याद रखना, आज रात को 9 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है, लाइव क्लास होगी, तो आपको रात को 9 बजे जरूर जुड़ना है, ठीक है, आज रात को जो 9 बजे होगी ना वो लाइव होगी फेस टू फेस वाली, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़िएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है, ऑप्शन बी होगा नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट बताना है, सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग बर्थ, जिसको जन्म बोलते हैं, इसको क्रिस्टी के नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए की बोली लगाकर खरीदा था, बताइए। और आज हमने जितने भी 9 मॉडल पेपर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं उसकी हमने PDF डाल दी है टेलीग्राम में, 9 मॉडल पेपर तक के जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं पूरे 9 प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 11.3 करोड़, ठीक है। आगे जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो पूछा जा रहा है, क्या है बताइए, क्या होगा, वेरी गुड, जैन की बात हो रही है तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है, सलमान रुश्दी, किरण देसाई,
भानु अथैया, आमिर खान, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम से आया करें सभी लोग, ठीक है। हाँ चलिए आ जाइए जल्दी से, कृत्य का बताना है आपको। पहला ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जो भारतीय हैं, ये पूछा है। हाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, ये भानु अथैया, ठीक है। नेक्स्ट है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है, 1, 2, 17, 16, बताइए। भिक्षुक बुद्ध पूछा गया है, अजंता की कौन सी गुफा में है। वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा, गुफा संख्या 17 में किसका चित्र है, गुफा संख्या 17 में याद रखना है भिक्षुक बुद्ध का, ठीक है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग कैसे हैं, गेरुआ है, काला, सिंपल से क्वेश्चन है, गलत नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर भी करना है, कमेंट वगैरह सब कुछ करते जाना है, ठीक है। सातवें का बताना है क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, गेरुआ। नेक्स्ट, एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था, बताइए क्या होगा। एनएस बेंद्रे का शिष्य पूछा है कौन नहीं है, याद रखना है के.एस. कुलकर्णी नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है, बताइए। चित्रकार हैं, कवि हैं, मूर्तिकार हैं, कहानीकार हैं, बताइए। चलिए नौवें पे आइए, आपने पढ़ा होगा ऑप्शन बी, कवि। आगे नेक्स्ट है, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है, वी.एस. नायपॉल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, बताइए। टेंथ का क्या होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी। मिडनाइट चिल्ड्रन पूछी है, सलमान रुश्दी हो जाएगी, ठीक है। बताना है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब होती है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना पूछी जा रही है आपसे, 1990, 82, 64, 72, क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे। तो क्राफ्ट की बात हो रही है, ऑप्शन सी होगा, 1964, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, लाल चेस पर निर्मित एक धड़ जो कि 9.5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये हमें कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, ये चीज़ आपको बताना है। 125 करवाएंगे आज हम, ठीक है। अनुज सक्सेना जी, जो 2 बजे क्लास चलती है उसकी हमने अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई है, आप लोग कहेंगे तो हम बना देंगे, ठीक है। आप पढ़िए इसको, बताइए 12 का क्या होगा। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन ए ये मिली है हड़प्पा से, ठीक है। आगे चलते हैं, तैयब मेहता को उसके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, बताना है। महिषासुरमर्दिनी, काली, फॉलिंग फिगर, गेस्चर, बताइए। 31 का क्या, सॉरी 13 का क्या होगा। हाँ ऑप्शन सी, फॉलिंग फिगर के लिए, ठीक है। स्पीड बढ़ाया चलती रहिए क्योंकि 125 करवाएंगे आज हम, 2 दिन से रेस्ट है ना, आज फास्ट करते हैं। भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल की प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बताइए। 14 का क्या होगा, प्रथम क्राफ्ट स्कूल की प्रारंभ पूछा है। हाँ आंसर बी होगा, चेन्नई में, ठीक है। आगे, ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे, जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, बताइए जल्दी से। आप लोग होशियार बच्चे हैं ना, तो फिर स्लो क्यों चलते हैं। ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित वट वृक्ष स्टेनलेस स्टील से बना है, किसकी कृति है, बताइए। भारती खेर, सुबोध गुप्ता, परमेश मैती, अनीश कपूर। हाँ स्पीड बढ़ा लीजिए आप लोग, शाबाश। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है सुबोध गुप्ता, ठीक है। आगे चलते, थोड़ा स्पीड बढ़ाए रहेंगे ना तो आप ही लोगों को सहूलियत रहेगी, वरना आप लोग फिर बोलेंगे कि हमें बोरियत लग रही है, बताइए। 1928 ईस्वी में 3 अन्य कलाकारों के साथ किसको लंदन के इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्र अंकन का कार्य सौंपा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। ललित मोहन सेन, असित कुमार हल्दार, रणवीर सिंह बिष्ट, पतिनाथ आर्य, बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। 17, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ये है ललित मोहन सेन, ठीक है, इंडिया हाउस की दीवारों पर, ठीक है, लंदन में।
नेक्स्ट है सिंघनपुर की खोज कब होती है बताइए। 18वें पे आइए, 18वें पे फटाफट से। सिंघनपुर की पूछा है खोज कब होती है, तो याद रखना है 1910 ईस्वी में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 11 सितंबर 2013 को सैंको नॉट के नीलाम की गई सूजा की कलाकृति है द मैन फ्रॉम आफ्टर, इसको कितने करोड़ रुपए मिले थे? 10.25 करोड़, 8.12 करोड़, 5.8 करोड़, 15.3 करोड़, बताइए क्या होगा? 19 पे आएंगे थोड़ा स्पीड बढ़ा के। हाँ, आंसर की बात करेंगे 8.12 करोड़ होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी करोड़ वाले हैं ना आज हम करोड़ मतलब कि जितने भी नीलामी वाले हैं आज हम नीलामी वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे ज़्यादातर, और कल हमने शब्दार्थ वाले देखे थे। ठीक है, ऐसे ही डेली आपका एक एक टॉपिक निपटता जाएगा। पूछा जा रहा है स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली के मतलब किस शैली में मिलते हैं बताइए। बताइए 20 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है चंद्रकार तिलक की बात हो रही है गढ़वाल। ठीक है, आगे चलते हैं। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल, श्यामलाल, रामलाल, नैनसुख, क्या होगा आंसर? चलिए स्पीड बढ़ा के चलना है ना आप लोगों को, शाबाश आप अच्छे बच्चे हैं ना, वेरी गुड। चलिए 21 का नंबर बताना है। चलिए ठीक है, पूछा है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार, ऑप्शन ए हो जाएगा कुशनलाल। ठीक है, आगे ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? भीमबेटका के गुफा चित्र, जोगीमारा, अजंता, शांति निकेतन, कहाँ के? 22 पे आएंगे फटाफट से, एंड आंसर की बात करेंगे। ऐतिहासिक भारतीय प्राचीनतम उदाहरण पूछा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है जोगीमारा के गुफा चित्र। ठीक है, आगे बताएंगे शोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बताना है यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र कहाँ है? बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, गुफा संख्या 17 में है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है लियोनार्डो द विंची का जन्म होता है, कब होता है? 1550, 81, 52, 30, चलिए बताइए क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है आप लोगों की, वेरी गुड, ऑप्शन सी 1452 में। चर्चित पेंटिंग है काशी किसकी है बताइए, काशी किसकी है? वेरी गुड, शाबाश, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। 25 का क्या होगा? चलिए काशी की बात हो रही है, मदनलाल नागर। ठीक है, आगे चलते हैं। हरिपुरा पोस्टर्स के लिए विख्यात कौन रहे? हरिपुरा की बात आ रही है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन डी नंदलाल बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर क्षेत्र कैमूर रेंज, इससे प्राप्त गुफा चित्रों की जो खोज हुई है वो सबसे पहले किसने की है? मेनली मिर्ज़ापुर पूछा रहा है, एंड मिर्ज़ापुर की बात आएगी तो कौन आएगा? हम मिर्ज़ापुर के कार बोल रहे हैं। ठीक है, कार्लाइल। आगे नेक्स्ट, घायल सुअर कहाँ से मिला है बताओ? घायल सुअर भंडरिया हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल हम छोड़ते जा रहे हैं। आगे है सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिली है? सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक पूछी है, कहाँ से मिली है तो याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन पे आइए जल्दी से। 29 पे ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, ये पात्रों पर मिली है। ठीक है, याद रखना है 29 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पटना शैली का उत्थान समय पूछा जा रहा है आपसे बताइए, उत्थान का समय ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुई है? कृष्णराज, कृष्णदेव, कृष्ण प्रथम, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? आंसर की बात करेंगे, मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में रही है, तो आंसर होगा आपका कृष्णराज। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दीवानी लैला किसका चित्र है? अब्दुल रहमान चुगताई, एमएफ हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख, नसरीन मोहम्मदी, क्या होगा 32 का? दीवानी लैला,
आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ए आर रहमान हो जाएगा चुगताई। ठीक है, याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर की बात करते हैं नेक्स्ट पर। के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई, ये कहाँ संग्रहित है पूछा जा रहा है आपसे। के मुर्गों की लड़ाई कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन ए होगा, ये चंडीगढ़ संग्रहालय में है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला था। आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्डन बियर मिला था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है, राम कुमार, बद्रीनाथ आर्य, के एस कुलकर्णी, एस एच रजा। एक काम करते हैं, आज हम 65 क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, आज हम 65 क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों जाने कैसा लग रहा है, तबीयत सी बिगड़ रही है हमारी। 35 को बताना है, बनारस के घाटों का जो चित्रण किया है किसने किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राम कुमार ने। आगे, प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ। आगे, प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी हैं बताइए। 37, चलिए आगे चलते हैं। वास्तुकार पूछे हैं, ऑप्शन बी, सतीश गुजराल। नेक्स्ट, कौन सा चित्रकार कला समीक्षक, इतिहासकार और कला शिक्षक भी है, क्या होगा। प्रणय दूत जीएन टैगोर का है, एक सेकेंड, प्रणय दूत चित्र, एक सेकेंड, प्रणय दूत पूछे हैं, हाँ गगनेंद्रनाथ का है। ठीक है, हमने हमने लगता है अवनींद्रनाथ बोला था। ठीक है, हाँ इसको सही कर लीजिए आप लोग। चलिए इसका बताना है आपको, 38, हाँ चित्रकार पूछा है, कला समीक्षक, इतिहासकार और कला शिक्षक भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है रतन परिमो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ की पुस्तक है जीवन स्मृति, इसके लिए किसने चित्र बनाए हैं, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, असित कुमार हल्दार, बताइए 39 का क्या होगा। जीवन स्मृति है, आ जाइए, गगनेंद्रनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर की बात करते हैं, आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, 11.09 करोड़। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में होता है, पुरापाषाण, नवपाषाण, शैंधव मध्य, बताइए। मिट्टी के बर्तन, आंसर होगा ऑप्शन बी, नवपाषाण का। ठीक है, नेक्स्ट, सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग बर्थ, इसको क्रिस्टी की नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए की बोली लगाकर खरीदा था, बताइए क्या होगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा, यह है 11.03 करोड़। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है बताइए। तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक, मानव, बताइए क्या होगा। फोर्थ का क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए, ये है तीर्थंकर और उनकी जीवनी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है, सलमान रुश्दी हैं, किरण देसाई हैं, भानु अथैया हैं, आमिर खान हैं, बताइए। टाइम से आया करें सभी लोग, ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर फिफ्थ का। ऑस्कर पूछा जा रहा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है भानु अथैया। ठीक है, नेक्स्ट है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है बताइए। नहीं, कल क्लास नहीं हो पाई थी, बीच में हमारी तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए हमने आज शुरू से स्टार्ट किया हुआ है, आज हम पूरे 125 देखेंगे। ठीक है, हाँ सिक्स का बताइए क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है गुफा संख्या 17। ठीक है, आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा जहाँ तक पहुँचे थे।
अधिकांश प्रासिक चित्रों के रंग कैसे हैं बताइए, सेवेंथ का क्या होगा? चलिए सेवेंथ का बताइए क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है गेरुआ। नेक्स्ट, स्पीड बढ़ा के चलते जाओ, ठीक है, जहां तक हुआ था फिर वहां से। हाँ, नेक्स्ट है, एन एस बिंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के एस कुलकर्णी, शांति दवे, जे आर संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, बताइए क्या होगा आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए, के एस कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में होती है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन बी, कवि के रूप में। आगे, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है पूछा जा रहा है आपसे, टेंथ का बताना है। चलिए आंसर की बात करेंगे, मिडनाइट चिल्ड्रन पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है। हाँ लाइव है बेटा, लाइव है, काहे परेशान हो, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब होती है? क्या होगा आंसर? 1990, 1982, 1964, 1972, बताइए। 11 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। चलिए सभी लोग करेंगे आंसर। चलिए आंसर की बात करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, कल हमने पढ़ाए हुए थे सब, आंसर होगा आपका बिल्कुल सही 1964। चलिए आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, लाल जैस्पर निर्मित एक धड़ जो कि 9.5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये प्राप्त किया गया है कहाँ से, बताइए। हड़प्पा से, कहाँ से बताइए, क्या होगा आंसर? वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा से, ठीक है। आगे चलते हैं, तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? महिषासुरमर्दिनी, काली, फॉलिंग फिगर, गेस्चर, बताओ सभी लोग क्या होगा 13। ऑप्शन सी, फॉलिंग फिगर। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल प्रारंभ कब होता है? शांति निकेतन में, चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई, बताएंगे सर 14 का क्या होगा? चलिए हाँ शाबाश, सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेन्नई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 1890 के संस्थापक पूछे जा रहे हैं, कौन है बताएंगे सभी लोग? 1890 के संस्थापक पूछे हैं आपसे। चलिए आंसर की बात होगी ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित वट वृक्ष जो कि स्टेनलेस स्टील में बना है, किसकी कलाकृति है बताइए? 16, वेरी गुड, आंसर होगा सुबोध गुप्ता, बताइए। सन 1928 ईस्वी में तीन अन्य कलाकारों के साथ किसको लंदन के इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्र अंकन करने का कार्य सौंपा गया? ललित मोहन सेन, असित कुमार हल्दार, रणवीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आज, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, ललित मोहन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघनपुर की खोज कब होती है, ये पूछा जा रहा है। हाँ आज सप्तमी है ना, इस वजह से सभी बच्चे चले गए हैं भूत वाली झांकी देखने। हाँ ऑप्शन ए, ये है 1910 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2013 को सैक्रोनॉट के द्वारा नीलाम की गई सूजा की कलाकृति द मैन फ्रॉम आफ्टर इसको कितने करोड़ रुपए में मिले थे बताइए? आज सप्तमी है ना, तो ज़्यादातर सब लोग उसी में लगे हुए होंगे, लेकिन पता है कि जब ये झांकी वगैरह ख़त्म हो जाएगी ना, सब लौट के यही क्लास में आएंगे, लौट के बाद में पढ़ेंगे आज। ऑप्शन बी, 8.12 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताना है स्त्रियों के जो मस्तक पर चंद्राकार तिलक है ये कौन सी शैली से मिलते जुलते हैं? कुल्लू, मंडी, गढ़वाल, जम्मू, बताइए क्या होगा? कल हमने आपको रात में 9 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाई थी, अजंता के जो चित्र हैं गुफाओं वाले उनको हमने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, और उसमें हमने लव स्टोरी के माध्यम से ट्रिक बताई हुई थी,
जिसने नहीं पढ़ी हो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या फिर सर्च बार में डाल दीजिएगा अजंता की गुफाओं की ट्रिक बाय वैष्णवी मैम, आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी गढ़वाल। अगले, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल, श्यामलाल, रामलाल, धनसुख। बताइए, कांगड़ा शैली पूछा है आपसे, वेरी गुड, पढ़ ली थी, शाबाश। ऑप्शन ए कुशनलाल। नेक्स्ट पे आते हैं, ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? भीमबेटका के गुफा चित्र, जोगीमारा के गुफा चित्र, अजंता के शांति निकेतन के। बताइए क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी जोगीमारा के गुफा चित्र, ठीक है। नेक्स्ट है, यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण बहुत बार पढ़ाया है, गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 23 का क्या होगा? समर्पण की बात आ रही है, राहुल समर्पण, ऑप्शन बी 17 में, ठीक है। आगे चलते हैं, लियोनार्डो विंची का जो जन्म है वो कब कब होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए 24, वेरी गुड, बिल्कुल, ऑप्शन सी 1452 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चर्चित पेंटिंग काशी किसकी है? मदनलाल नागर, रविशंकर रावल, एसएच रजा, एमएफ हुसैन। बताइए, काशी की बात हो रही है, ऑप्शन ए मदनलाल नागर, ठीक है। हरिपुरा पोस्टर के लिए विख्यात कौन है? बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको बढ़ाते हैं, ऑप्शन डी नंदलाल बोस हैं। नेक्स्ट, मिर्जापुर क्षेत्र जो है कैमूर रेंज से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की है? कार्लाइल, पंचानन मित्र, अमरनाथ दत्त, जी डब्ल्यू एंडरसन। वेरी गुड, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कार्लाइल। नेक्स्ट, घायल सुअर कहाँ अंकित है? बताइए, 28 पे आना है, घायल सुअर पूछा है, ऑप्शन बी होगा भंडरिया से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? मोहरों पर, पात्रों पर, स्तंभों पर, शिलालेखों पर। सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आंसर पे आएंगे, आंसर होगा आपका मोहरों पर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है पटना शैली के उत्थान का समय क्या है, क्या होगा आंसर? चलिए आंसर की बात करते हैं, हाँ मोहरों पर, चलिए इसको बताइए 30 पे। पटना शैली के उत्थान का समय ऑप्शन बी हो जाएगा, कल गलत बताया था आपने ये, अच्छा कल दूसरा बता दिया था आंसर, चलिए ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 19वीं शताब्दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त होती है? कृष्णराज, कृष्णदेव, कृष्ण प्रथम, इनमें से कोई नहीं। बताइए 31 का क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है, हमने देर ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ 31 पे आइए, राजा के संरक्षण में अत्यधिक जो उन्नति हुई है, क्या होगा आंसर 31 का? हाँ ऑप्शन ए, ये है कृष्ण राज। आगे बढ़ते हैं, दीवानी लैला किसका चित्र है? अब्दुल रहमान चुगताई, एम एफ हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख, नसरीन मोहम्मदी। 32 दीवानी लैला, वेरी गुड, ऑप्शन ए अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, के हैबर का प्रसिद्ध चित्र की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? चंडीगढ़। मैम 29वां क्लियर करिए, 29 में क्या है, अच्छा ठीक है रुकिए, पहले इसको करिए, चंडीगढ़, राष्ट्रीय, पंजाब, कोलकाता, क्या होगा? मुर्गों की लड़ाई पूछा है, बिल्कुल ऑप्शन ए चंडीगढ़ संग्रहालय में। नेक्स्ट है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म पर हुसैन कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण, गोल्डन बियर, फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार। 34 बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है गोल्डन बियर, ठीक है। पूछा जा रहा है, बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है? रामकुमार, बद्रीनाथ आर्य, के एस कुलकर्णी, एस एच रजा। करो जल्दी से पटक से,
बनारस के घाटों की बात हो रही है, कौन है? रामकुमार है, ठीक है, याद रखना है। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार पूछे जा रहे हैं आपसे, क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे प्रणय दूत की बात हो रही है, क्या होगा आंसर? बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है गगनेंद्रनाथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जो कि वास्तुकार भी था वो कौन है? वास्तुकार भी है जॉन, हाँ 37 पे आएंगे, शाबाश, आप लोग बढ़िया रिप्लाई दे रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल सही है। वास्तुकार पूछा जा रहा है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी सतीश गुजराल हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा चित्रकार कला समीक्षक, इतिहासकार और कला शिक्षक भी है? बताइए 38। चित्रकार, कला समीक्षक, इतिहासकार, हाँ ऑप्शन ए रतन परी। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ की पुस्तक बतानी है जो कि जीवन स्मृति के लिए चित्र बनाए गए हैं वो किसने बनाए हैं? बताइए 39, किसने बनाए हैं जीवन स्मृति के लिए? बिल्कुल आंसर सही है, गगनेंद्र नाथ ने बनाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बुद्ध जन्म की पूछा जा रहा है किसकी रचना है? बुद्ध जन्म जो है ये किसकी रचना है? बताइए क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, शारदाचरण उकील, असित कुमार हल्दार। 40 का क्या होगा? शाबाश, ये है ऑप्शन बी नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया था? बताइए 41, शाबाश, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, वेरी गुड, आंसर होगा ब्रिटिश शासकों ने, ठीक है। आगे चलते हैं, काली मंदिर के निकट बिकने वाले पट चित्रों को क्या कहते हैं? 42, शाबाश, ऐसे ही स्पीड बढ़ाइए अपनी, वेरी गुड, शाबाश, हाँ इस पे आना है, क्या है? काली मंदिर के निकट बिकने वाले पट चित्रों को, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी काली घाट पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी, मुगल, बनारस, लखनऊ। राम प्रसाद पूछे हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये कंपनी शैली के हैं, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है, चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया है? चंबा रंग महल पूछा है, 44, चलिए 44 की बात कर रहे हैं ना, चलिए इस पे आइए जल्दी से, चलिए ऑप्शन सी होगा दुर्गा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मोलाराम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की है? ये पूछा जा रहा है आपसे, आनंद कुमार स्वामी ने, पर्सी ब्राउन ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल बोरोस्की, किसने? 45, बताना है क्या होगा 45 का? चलिए वेरी गुड, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, आपका आंसर सही होगा, ये है बैरिस्टर मुकुंदीलाल। नेक्स्ट है, जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र चित्रकार ने बनाए हैं, हाँ बताइए क्या होगा? नैनसुख, मानकू, चैतू, रामलाल। 46, शाबाश, ऑप्शन ए होगा, ये है नैनसुख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बसोहली शैली को आरंभ में कौन से नाम से पूछा जाता था? लोक कला, तिब्बती कला, पहाड़ी कला, भारतीय कला। बसोहली पेंटिंग पूछी जा रही है आपसे, आरंभ में किस नाम से जानते थे? फटाफट से बताएंगे, वेरी, तिब्बती कला कहते थे, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर, रेम्ब्रा कहाँ का निवास था? हॉलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, बताइए, यहीं से क्लास बंद हुई थी, बताइए 48 का क्या होगा? रेम्ब्रा कहाँ का निवासी था? हाँ ये हॉलैंड का था। बताना है, क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचनाएं हैं? रेम्ब्रा, रूबेंस, म्यूरिल्लो, फ्रांस हॉल्स। 49, चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है रूबेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख मिचौनी
किसका प्रसिद्ध चित्र है? बसावन, मनोहर, मानकू, कोया। आंसर की बात करेंगे, ये हो जाएगा गोया, ठीक है, आंख मिचौनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से स्पेन का चित्रकार कौन नहीं है? स्पेन का पूछा है कौन नहीं है, बताइए। बिल्कुल, शाबाश। आंसर की बात करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी, ठीक है, ऑप्शन डी ये रैम्ब्रा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि पूछा जा रहा है किस जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में होता है? हम सोच रहे हैं 125 करवा दें, देखते हैं जहां तक चलती है क्लास चलाते हैं, ठीक है। चलिए 52 पे आते हैं, क्या होगा सभी बताएंगे। पूछा जा रहा है 6 फरवरी 2016 को किसका निधन होता है? हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा सुधीर तैलंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा है बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेचियो कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड, इटली, बताइए 53 का क्या होगा। बरोक शैली का कैरावेचियो की बात हो रही है, कहाँ का था ये? इटली, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? 39 में, 49, 67, 2002 में, बताइए। ऑप्शन बी ये है 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट है एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म जो है ये किस चित्रकार की कहानी है, बताइए। 55, चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए ये है माइकल एंजेलो। नेक्स्ट, पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ होती है? सिंपल सा है, गलत नहीं करना है ना किसी को, बताइए। सबसे ज्यादा पैग पूछा है, छप्पन पे आओ। हाँ ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चोल राजाओं की बात हो रही है, ऑप्शन सी शैव धर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, निकोलस पुसिन जो है ये कौन थे, बताइए। यथार्थवादी, शास्त्रीयवादी, प्रभाववादी, रोमांसवादी, बताएंगे सभी लोग। मॉडल 10, सॉरी क्या क्या पूछा है, 58वां क्वेश्चन है, पता नहीं, शाबाश। ऑप्शन बी शास्त्रीयतावादी। आगे बढ़ते हैं, स्पेनिश चित्रकार पूछा जा रहा है, स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र पूछा है कौन सा है? ग्रामीणों का नृत्य है, ब्रेडा का समर्पण है, इंद्रधनुष है, मंगल और वीनस है, बताइए 59 का क्या होगा। ऑप्शन बी ब्रेडा का समर्पण। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा बेटा वर्तमान में कहाँ पर है, बताइए। 60, पिएटा की बात हो रही है, बिल्कुल, ऑप्शन ए सेंट पीटर चर्च में, ठीक है। आगे, स्फुमेटो क्या है? छाया प्रकाश दिखाना, रेखांकन करना, रंगों को भरना, स्फुट चित्र, बताइए 61 का क्या होगा। ऑप्शन ए ये है छाया प्रकाश दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है, लियोनार्डो विंची के मोनालिसा के चित्र में कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ है, बताइए। सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ा के, कौन सी पद्धति पूछी है मोनालिसा में। हाँ, ऑप्शन बी तेल रंग पद्धति, ठीक है। आगे, एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टाइन मैडोना कौन से पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? लियोनार्डो, रैफेल, माइकल एंजेलो, बताइए। पोर्टेजिया, ऑप्शन बी रैफेल, ठीक है, याद रखना है। पुनरुत्थान का जन्म पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। 64
चलिए आंसर की बात करते हैं, पुनरुत्थान की बात हो रही है, इटली। गोथिक कला कैसी थी? भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, बताइए क्या कैसी थी, क्या होगा आंसर? चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा ऑप्शन ए, भवन निर्माण कला। ठीक है, आगे ऑन मोनार्की नामक जो ग्रंथ है वो किसका है बताइए? 66 ऑन मोनार्की, बिल्कुल ऑप्शन बी दांते की। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है क्वाट्रो सेंटो वाक से कौन संबंधित है बताइए? 67 नेट की कोई बात नहीं करेगा, ठीक है 67 ऑप्शन ए। आप लोग बोलते हैं कि नेट खराब है तो बस वो हो ही जाता है, फिर ऑप्शन ए पुनरुत्थान। रोमनस की कला का आरंभ कहाँ से होता है बताओ? 8 पे आइए, 68 फ्रांस, ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रिवेन्ना के सन वाइटल चर्च में दिखाई देता है, इसका निर्माण किसके समय पर हुआ है बताइए? कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, थियोडोर, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा आंसर? बहुत धीमा चलते हैं आप लोग, हाँ देख लो बाद में देख लेना, ठीक है जाओ गुफा में कूद जाओ जाके, ठीक है गुफा गुफा जरूरी है आप लोगों को, ऑप्शन बी ये है जस्टिनियन। ठीक है, नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण कौन सा है बताइए? मेसोपोटामिया की बात हो रही है तो ये याद रखना है, 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व का बना जो एरुदु मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है मेसोपोटामिया की प्राचीनतम मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार की प्रतिमा कौन सी है? सिंपल सा है एंड बहुत फेमस क्वेश्चंस है, सेवेंटी वन पे आइए। देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये अपने यहाँ है ही नहीं, काहे परेशान हो रहे हैं इस पे? ऑप्शन डी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है बेंगलोर में है, याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, लिबर्टी कहाँ पर है सभी लोग बताओ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ पर? भारत में है क्या बताओ, भारत में है क्या? पूछा जा रहा है पीटर पॉल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था फ्रांस? आप लोग पता है क्या सोचकर आप लोग आंसर लगा रहे हैं, रामवी सुतार देखकर क्या ला रहे हैं, जो ये क्या नाम था उनका, अरे वल्लभ भाई पटेल की सरदार वाली जो मूर्ति है, ये सोचकर आप लोग लिबर्टी लगा रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो, बताइए 72 पीटर पॉल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, अपने यहाँ नहीं है भाई, यूएसए में है, अमेरिका में, ठीक है हाँ लिबर्टी कनाडा में पड़ती है, बताइए 72 का बताना है आपको क्या होगा? पीटर पॉल रूबेंस का जन्म, ऑप्शन डी ये जर्मनी में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बताना है कलकत्ता ग्रुप से कौन संबंधित है क्या होगा? 73 चलिए कलकत्ता ग्रुप की बात हो रही है, निरोध मजूमदार। आगे चलते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसमें स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है बताइए? 74 आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा 37.19 मीटर। ठीक है हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, लिबर्टी जो है अपने यहाँ पर नहीं है। पूछा जा रहा है बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? अजातशत्रु, अशोक, देवपाल, धर्मपाल, 75 अभी स्टैचू ऑफ नॉलेज भी बन चुका है, किसी को मालूम है स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर बना है और किसकी प्रतिमा इसमें स्थापित हुई है, मालूम है किसी को? चलिए ऑप्शन बी होगा, ये अशोक है महाबोधि मंदिर का। नेक्स्ट, रेम्ब्रा की कृति है रात्रि के प्रहरी जो कि जिसे हम बोलते हैं द नाइट वॉच, इसका माध्यम कौन सा है? ग्वाश, टेम्परा, तेल, एक्रेलिक, 76 रात्रि के प्रहरी ऑप्शन सी होगा,
तेल, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है लॉन्जाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदात्त को प्रकट किया, ये हैदराबाद में है, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है ना, ये हैदराबाद में है, और इसमें जो स्थापित किया गया है, किसको किया गया है मालूम है किसी को? रामानुजम को इसमें स्थापित किया गया है, प्रतिमा को, ठीक है। हाँ, 77 हो गया। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है पेरिप्सुस, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा है फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी, जर्मनी, ठीक है, रोकोको शैली। आगे चलते हैं, कौन सी शैली में पूछा जा रहा है अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है, क्या होगा आंसर? सी अक्षर पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है रोकोको शैली। नेक्स्ट, किस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बूशे, शार्दी, लेली, क्रूज, बताइए। ऑप्शन ए, ये है बूशे, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाए हुए हैं ताकि जल्दी से हो सके। पूछा जा रहा है हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? 99 था क्या ये? एक सेकेंड, 80 के बाद डायरेक्ट 100 पे आ गए, हमें लगता है एक पेज गायब हो गया बीच का। चलो कोई बात नहीं, 100 का बताना है सीधे, अब बीच का पेज ही गायब है। हाँ, 100 की बात करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये है इस्तांबुल, ठीक है। हाँ, पूछा जा रहा है पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोजेनबर्ग की कृति कौन सी है? बताइए, ग्रामोफोन वाली, नर्तकी, एमिल ज़ोला, मोनोग्राम, क्या होगा? 101, शाबाश, स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ये है मोनोग्राम है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? बद्रीनाथ आर्य, रामकुमार, एम एफ हुसैन, पुलिन बिहारी दत्त, हाँ आ गया, शाबाश। चलिए आ जाइए, सेकंड का करेंगे आंसर, आपातकाल की घोषणा पूछा है तो ये एम एफ हुसैन, ठीक है। पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंस डे प्रोसेशंस शीर्षक 14 फीट विशाल पेंटिंग है, ये किसकी है? बताइए, 103 का क्या होगा? इंडिपेंडेंस डे प्रोसेशंस 14 फीट की पेंटिंग है, ऑप्शन बी आ रहा, ठीक है, वेरी गुड। रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया है? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑप्शन सी नेकचंद सैनी ने, ठीक है। फ्रेंच अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? बताइए, 1650, 48, 63, 75, फ्रेंच अकादमी की बात हो रही है, ऑप्शन बी 1648 में। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस जो है किसकी मदद से स्थापित किया था? बताइए, लिथो प्रेस, जर्मन। नेक्स्ट है, एकल यदगिरी राव के मूर्ति शिल्प चतुर्मुखी इसका माध्यम क्या है? कास्ट, फाइबर, पत्थर, कांस, चतुर्मुखी, ऑप्शन सी पत्थर। बोरोबुदुर का स्तूप किस देश में है? बताओ, ऑप्शन ए जावा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कौन सी शताब्दी का है? बताइए, ऑप्शन बी, ये 6वीं शताब्दी का है, ठीक है। चित्रसूत्र की रचना किसने की है पूछा जा रहा है आपसे? नारायण मुनि ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन था? बताइए, 111 पे आइए। फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति रचना करने वाला कलाकार पूछा जा रहा है आपसे, ऑप्शन ए, यह है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। पूछा जा रहा है जोरांस्को का संबंध किससे?
थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है इसलिए हम थोड़ा ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। बताइए बारहवीं का क्या होगा, जोरांस्को का संबंध किससे है? ऑप्शन बी विचित्रा क्लब से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या क्या है? 5, 4, 6, 8, क्या होगा? ऑप्शन ए ये है, आगे विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है? द लास्ट जजमेंट बहुत बार पढ़े हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकल एंजेलो, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, भारतीय शैली में भित्ति चित्रण मतलब भित्ति चित्रित करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था? बताना है, नंदलाल बोस है, नरसिंह लाल है, साहिब राम है, जोध सिंह है, बताइए। जैसी रात में कल 9 बजे क्लास आई थी ना, वैसे ही कल भी 9 बजे रात को क्लास आएगी, ठीक है, तो आप लोगों को देखना है। ऑप्शन बी होगा, नरसिंह लाल। पूछा जा रहा है, अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, लक्ष्मा गौड़, वी प्रभा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। नेक्स्ट, कर्नाटक के इहुल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है? ऑप्शन ए बादामी। नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? बताइए, ब्लैक पैगोडा बहुत बार पढ़े हैं ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पिंट मेकर हरेंद्र दास की कला शैली किससे प्रभावित थी? ट्राइबल आर्ट, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, नुजूम उलूम पुस्तक में कौन सी शैली के चित्र मिलते हैं? बताइए, ऑप्शन ए बीजापुर शैली के। आगे, कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र कैसे होते हैं? आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी 16x22 के, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है? जेसी प्रिंच ने, डब्ल्यूजी आर्चर, मूर क्राफ्ट, टॉमस रो, कांगड़ा की बात हो रही है, ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? बस्ती पूछी है, ऑप्शन ए जेरिको में है, जेरिको है फिलिस्तीन में। नेक्स्ट, सांची की कला का विषय पूछा जा रहा है, जैन, बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी ये है बौद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं, एकमात्र भारतीय चित्रकार कौन थे जिन्हें यूरोप में सबसे अधिक जाना और समझा गया? 125, एकमात्र भारतीय चित्रकार जिन्हें यूरोप में सबसे अधिक जाना और समझा गया, क्या होगा आंसर? चलिए, ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, ठीक है। चलिए, तो फिर यहाँ से आपके पूरे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है।